सूर्य, सूरज, सन, ये सूरज के पर्यायवाची यानी सूर्य के समानार्थी। जय हिंद, मैं सले स्वागत करता हूँ आप सभी का इस खास सेशन जिसका नाम है ग्रह सीरीज। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे सन यानी सूरज के बारे में, ठीक है। हालांकि कुछ चीजें जानते होंगे, बहुत कुछ जानते होंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं ऐसे कुछ चीजें बताऊंगा जो आप शायद जानते भी हो और नहीं भी जानते हो। तो आप सभी का स्वागत है इस खास सेशन जिसका नाम है ग्रह सीरीज। एक बार क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जो इस चैनल पे नया है चैनल को जरूर का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। सूर्य की अगर बात करें, सूर्य इस ब्रह्मांड का, ठीक है, हमारा ये जो सौर मंडल है इसका जनक है ना, जनक कह सकते हैं, जो हमें क्या कहते हैं, एनर्जी देता है, ठीक है, यानी ऊर्जा देता है। सभी ग्रहों को ये सूर्य क्या करता है, एनर्जी यानी ऊर्जा प्रोवाइड करता है, ठीक है। सूर्य की अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, सूर्य इस प्रकार का होता है, ठीक है। सब लोगों ने सूर्य को देखा है, सूर्य यानी सन, ठीक है, सन मीन सूर्य। इसके चारों तरफ ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ग्रह क्या करते हैं, इसका चक्कर लगाते हैं, राउंडिंग राउंडिंग, ठीक है, इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं सूर्य का सभी ग्रह, ठीक है। लेकिन अगर उठे कि सूर्य किसका चक्कर लगाता है, ठीक है, अगर सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो सूर्य किसका चक्कर लगाता है, तो सूर्य जो है आकाश गंगा यानी हमारी मंदाकिनी का लगाता है, ठीक है, हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या होती है उसके बारे में भी एक ना एक दिन हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे पहला, सूर्य सौर मंडल, सौर मंडल में सभी को ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करता है, क्लियर। यानी सूर्य क्या करता है, सौर मंडल में जितने भी चीजें हैं उनको ऊर्जा प्रदान करता है, यानी ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करता है, इस प्रकार की चीजें हम लोग कह सकते हैं। जो सूर्य का रोशनी पाता है तो चंद्रमा चमकता है, ठीक है, यानी सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में पड़ता है तो हमें वो, ठीक है। और चांद की बात, चांद और चंद्रमा तो एक ही चीज हो जाती है। अगर वहां की बात करें, चांद पर से हम लोग देखें पृथ्वी को, तो अगर पृथ्वी पर प्रकाश पड़ेगी तो पृथ्वी भी उतनी दूर चमकेगी, ठीक है। तारों की, तारों पे ये जो सूर्य का लाइट है उसी से वो चार्ज होकर या फिर उन पर वो लाइट पड़ती है तो हमें वो क्या करती है, दिखाई देती है, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें तो सूर्य, ठीक है, सूर्य यहां पर समझने वाली बात है, सूर्य का पर्यावरण सूरज, सूर्य है ना, भानु भास्कर दिवाकर, ये चीजें इनका क्या है, पर्यावाची है, क्लियर यहां तक चीजें, ठीक है। और ये पृथ्वी से, ठीक है, सूर्य पृथ्वी से, ठीक है, पृथ्वी हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी से 110 गुना, ठीक है, 110 गुना बड़ा है, गुना बड़ा है, ठीक है। यानी सूर्य हमारे पृथ्वी, पृथ्वी अगर मान लेते इतना छोटा सा है तो इसका 10 गुना यानी इसमें 110 पृथ्वी हम आ जाएंगी, ठीक है, 110 पृथ्वी हम आ जाएंगी, इतना बड़ा है, ठीक है, क्लियर है। यानी सूर्य पृथ्वी से कितना गुना है, तो 110 गुना बड़ा है, क्लियर। यानी अगर पृथ्वी 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है, पृथ्वी 1 सेंटीमीटर की है तो वो 110 सेंटीमीटर का होगा, क्लियर, क्लियर है यहां तक चीजें। अब इसकी ब्यास की भी बात कर लेते हैं, ब्यास, ठीक है, सूर्य का ब्यास, सूर्य का ब्यास, ठीक है, सूर्य का ब्यास क्या, ब्यास का मतलब ये, यहां समझने वाली बात है, ये मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य का ये ब्यास होता है, ठीक है, ये जो पूरी दूरी है इस परिधि से इस परिधि तक की दूरी जो है वो ब्यास कहलाता है, ठीक है, वो ब्यास आप चाहे इधर से चाहे जैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। दो त्रिज्याएं होती हैं, सबको पता है, ठीक है, नहीं पता होगा तो मैं देख लीजिएगा आप लोगों गूगल पे, ठीक है। तो ये जो ब्यास होती है इस एक परिधि से एक दूसरी परिधि तक, ठीक है, एक किसी परिधि है, ठीक है, उस परिधि के एक बिंदु, ऐसे समझने वाले भी तो जोड़ सकते हैं लेकिन वो जीवा हो जाएगा, ठीक है, परिधि के एक बिंदु से खींची गई रेखा से होते हुए दूसरी परिधि के बिंदु तक पहुंचे उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, ब्यास कह सकते हैं, ठीक है, यानी केंद्र पड़ना चाहिए बीच में। तो ये जो दूरी है वो कितनी है ये समझते हैं, ये जो दूरी है ये कितनी है, ये केंद्र है, ठीक है, कितनी है इसको समझते हैं, तो ये 13, ठीक है, 13 लाख है,
13 लाख या 14 लाख भी कह सकते हैं, 13,92,200, ठीक है, 200 इसको कितना कह सकते हैं हम लोग, किलोमीटर, ठीक है, क्या कह सकते हैं, किलोमीटर, ठीक है, इतना व्यास है 13,92,200 किलोमीटर है इसका व्यास। क्लियर है, याद अच्छे से क्लियर है, बस आगे बढ़ते, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि सूर्य जो है पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है, यानी व्यास इतना है सूर्य का, तो पृथ्वी का व्यास देख लेते हैं। अगर पृथ्वी का व्यास की बात करें, ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी आ जा रहा है क्योंकि पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में लेकर चल रहे हैं, ठीक है, पृथ्वी का व्यास कितना हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 110 गुना बड़ा है तो हम लोग भाग दे देते हैं, ठीक है, इसमें अगर इससे अगर भाग दें, ठीक है, यानी 13,92,200 में भाग दें 110 से, ठीक है, तो पहले तो एक जीरो इससे कटा, 11 से भाग देंगे तो 11 हो गया, ठीक है, यहाँ पर बचा 2, ये हो गया 29, 11 2 22, 72 7 हो गया 72, ठीक है, 11 6 66, 56 हो गया 62, ठीक है, तो 11 25 55, ठीक है, 1 बचा हो गया, और यहाँ पर कितना 55 कट गया, ठीक है, बचा यहाँ पर 7 70 हो गया, और यहाँ पर हो सकता है 11 6 66, यानी इतना किलोमीटर हमारे पृथ्वी का व्यास है, ठीक है, 12,656, ठीक है, क्लियर क्लियर यहां तक चीजें। इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, हाँ, तो कितना हो जाएगा 12,656 किलोमीटर क्या है व्यास हो जाएगा पृथ्वी का, ठीक है, अकॉर्डिंग इसके, ठीक है, इतना क्लियर है यहां तक चीजें, क्लियर है। और सूर्य जो एनर्जी देता है, ठीक है, जो उससे एनर्जी आती है, उस क्या उसके कारण है, क्या उसके वजह है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी उसके अंदर ऐसा क्या है भाई कि वो एनर्जी हमें देता है, ठीक है, सूर्य किससे बना है, यहाँ समझ सकते हैं, सूर्य बना है किससे बना है, यहाँ पर समझ सकते हैं, बना है, हाँ, ये जो हवा आवाज आ रहा है ये हवाओं का ही आवाज है, ठीक है, ये जो कुछ आपको घर सा आवाज सुनाई दे रहा है वो हवाओं का आवाज, ठीक है, पॉलीथीन से टकरा रहा है, तो 71%, ठीक है, 71% हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, सूर्य में क्या है 71% हाइड्रोजन है, ठीक है, 100% मान के बनाया जाता है, 26.5, ठीक है, 26.5% क्या है, 26.5% हीलियम है, ठीक है, हीलियम, हीलियम, ठीक है, हीलियम है, इन्हीं सभी का नाभिकीय संलयन होता है, और क्या होती है ये चीजें ऊर्जा बन के निकलती है, ठीक है, जब इनका अभिक्रिया होता है, ठीक है, 1.5% कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, 1.5% क्या है, कार्बन, माफ कीजिएगा, कार्बन, ठीक है, कार्बन है, इसी में नाइट्रोजन भी है, ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है, और चीजें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, माफ कीजिएगा, ठीक, ऑक्सीजन भी है, इतना ऑक्सीजन रहेगा तभी तो जलेगा, है कि नहीं, ऑक्सीजन कैसे है, जब उसे ऑक्सीजन मिलेगा तो भी, ठीक है, अब इनमें जो अभिक्रिया होती है उसी के माध्यम से जो नाभिकीय संलयन होती है, ठीक है, तो यानी उसके केंद्र में ही वो नाभिकीय विस्फोटिक होती है और ये एनर्जी बाहर निकलती है, ठीक है, क्लियर है, ऑक्सीजन रहेगा तभी जलेगा, नियान है इसी 1.5% में, ठीक है, नियान है, ठीक है, इसी 1.5% में नियान भी है, ठीक है, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन नियम ये चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है, और 1% और एक जो परसेंट है वो लोहा, ठीक है, लौह है और अन्य तत्व, लौह और अन्य तत्व, ठीक है, अन्य तत्व, क्लियर आते चीजें, इसको नोट करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेकर अब लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्लियर है। तो ये सूर्य से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य है, ठीक है, सूर्य जो जलता दिखाई देता है वो इन्हीं तत्वों की वजह से, इनका आपस में क्रिया होता रहता है और क्रिया होता रहता है, फिर कहीं पर जाते नहीं है गैसेस, फिर सूर्य पर ही जाके वो गिरते, ठीक है, हाँ, नाभिकीय संलयन जो मैंने बताया था, नाभिकीय संलयन था, ठीक है, अभी इसको भी लिख लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है यहां तक चीजें,
अगर बात करें सूर्य, ठीक है, सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत है वो मैंने बताया ना इनके, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, स्रोत कहाँ से मिलता है, तो स्रोत केंद्र में, केंद्र, ठीक है, स्रोत, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही, ठीक है, हाइड्रोजन व हीलियम, या हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम हाइड्रोजन ही रह सकते हैं ना, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणुओं का नाम किस संलग्न, ठीक है, परमाणुओं, परमाणुओं के नाभिकीय संलयन, नाभिकीय, नाभिकीय संलयन, यानी ये जो नाभिकीय संलयन है ये केंद्र में होने वाली अभिक्रिया, ठीक है, नाभिकीय माने नाभिकीय मतलब होता है केंद्र, ठीक है, नाभिकीय संलयन द्वारा, ठीक है, हीलियम यानी यची, ठीक है, हीलियम में बदलता है, हीलियम में बदलता है, ठीक है, क्या होता है, हीलियम में बदल जाता है, क्लियर है यहां तक, चीजें क्लियर है बच्चा, ठीक, हाँ मैंने बताया ना कि सूर्य किसका चक्कर लगाता, मंदाकिनी का, यहां लिख लेंगे सूर्य हमारे मंदाकिनी, मंदाक हमारी है ना, क्योंकि मंदाकिनी, मंदाकिनी, किनी, मंदाकिनी, या फिर कह सकते हैं आकाश गंगा, ठीक है, आकाश गंगा, ठीक है, या फिर कह सकते हैं, ठीक है, गैलेक्सी का हो, आकाश गंगा का हो, या मंदाकिनी, तीनों एक ही बात, ठीक है, गैलेक्सी के केंद्र, ठीक है, गैलेक्सी के केंद्र से, केंद्र के, केंद्र के, केंद्र से, ठीक है, 30,000 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है, ठीक है, स्थित है, और मंदाकिनी, और मंदा, और चक्कर लगाती है, ठीक है, और चक्कर लगाती है, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कि देखिए ये हमारा मंदाकिनी मान लेते हैं, ये मंदाकिनी है, ठीक है, मंदाकिनी हमारा, तो और यहाँ सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, ठीक है, तो ये जो मंदाकिनी, इसके बीच का ये जो दूरी है 30,000 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष वो जो एक वर्ष में किसी भी स्पीड से चली गई दूरी, यानी अनंत स्पीड, तो उस दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष, ठीक है, तो 30 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित सूर्य हमारी मंदाकिनी का चक्कर लगाती है, और इस मंदाकिनी का क्या नाम है, ये, ठीक है, हमारी मंदाकिनी क्या है, सर्पिलाकार है, क्या है, सर्पिलाकार है, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हमारी मंदाकिनी सर्पिलाकार है, ठीक है, सर्पिला, सर्पिला कार है, ठीक है, साफ क्या कहते हैं, क्लियर है यहां तक चीजें, क्लियर है बच्चों, बस ठीक है, हाँ, और एक बात आपको मिलता कहीं कहीं पे ना, हाँ, अगर बात में सूर्य है क्या, तो सूर्य एक तारा है, ठीक है, सूर्य एक तारा है, क्या है, सूर्य एक तारा, और ये तारा यानी ये सूर्य किससे बना हुआ है, तो 100 अरब तारों से, ठीक है, 100 अरब तारों, 100 अरब तारों से मिलकर, तारों से मिलकर, मिलकर सूर्य बना है, ठीक है, सूर्य बना है, ठीक है, यानी हालांकि सूर्य जो तारे होते हैं वो सूर्य से बड़े होते हैं, ठीक है, सूर्य से क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, कई गुना बड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर सूर्य की बात करी जाए तो सूर्य लगभग 100 अरब, ठीक है, 100 अरब तारों से मिलकर बना हुआ है, इतनी एनर्जी वो निकाल, क्लियर है यहां तक चीजें, ठीक है, क्लियर है यहां तक, बहुत सही, और इसके आगे की भी चीजें कुछ और समझेंगे,
कुछ और भी चीजें हम लोग सूर्य के बारे में जानेंगे अगली क्लास में, क्योंकि अगर ज्यादा चीजें आपको बता दी जाए एक ही बार में तो दिमाग में फिट नहीं होती है, ठीक है, सब हवा हवाई बन के उड़ जाती है, कहेंगे ए तरीके सर पीटेंगे और कहेंगे ए तरीके का हो गया भाई, कैसे भूल गया, कितना गचर पचर हो गया। तो यही चीजें, ठीक है, आप गचर पचर ना, थोड़ी थोड़ी चीजें जाने और आराम से जाने, ठीक है, जो भी चीजें जाने आराम से केयरफुली हो गए और सावधानी से हर चीजों को समझे और जाने, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो क्या अच्छा नहीं लगा उसको कमेंट बताइए, और जो इस चैनल पे नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।